शादी को हो गया आपको, आपके 38 साल माशाल्लाह। कितने बच्चे? तीन बेटे। तो कभी ऐसा हुआ है कि बेटों ने भी आप जैसे कपड़े पहने हो ना, मतलब लाइक बचपन में तो मान जाते होंगे वो? नहीं नहीं, अभी भी नहीं पहनते, बचपन में भी नहीं पहनते। नहीं पहनते? वो ऐसे है कि जो हमारा दरमियान वाला बेटा है, हाँ, वो कहता है कि बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रोशन किया। अच्छा, शादी के एक साल बाद, जैसे कि पैकेट से नजर आ रहा है, शादी के एक साल बाद ही आप लोगों ने एक जैसे कपड़े पहनना शुरू? बिल्कुल। अच्छा, तो किसी शादी में जाना, किसी तकरीब में जाना, तो वो आपने एक जैसे हमेशा? हाँ, बिल्कुल सेम होते हैं हमारे कपड़े। ठीक है, आइडिया आपको आया नासिर साहब या आपको आया? नासिर साहब को आया। अच्छा, आइडिया के ऐसा काम करें जो पहले किसी ने ना किया हो। अच्छा। और एक मैसेज हो, हाँ, दुनिया के लिए। अच्छा। हम अपने लिबास से मोहब्बत का दर्श देते हैं। अच्छा। अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। अच्छा, हम वैसे आपकी शादी मोहब्बत की है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अच्छा, मोहब्बत होगी सामने आपके। अच्छा, तो मतलब लाइक जब शादी हुई तो उस वक्त आप क्या करते थे, लाइक क्या जॉब करते थे? और आप जॉब करती थी, हाउसवाइफ थी? मैं हाउसवाइफ थी, इनका अपना बिजनेस था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जब आपने एक साल बाद सोचा, सबसे आपको याद है सबसे पहला आपका जोड़ा जो आपने एक जैसा पहना था और उसको देख कर लोग सरप्राइज हो गए कि ये क्या? हाँ, वो था इनका खाकी। तब तस्वीरें नहीं रखी उसकी संभाल के आपने? पड़ी होंगी कहीं एल्बम। इतनी जरूरी यादें। अच्छा, तो उसके बाद फिर इनके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी। अच्छा, तो प्लाईमाउथ। अच्छा, तो उसमें जब हम लोग निकले, लोगों ने अप्रिशिएट किया और उससे थोड़ा हौसला मिला हमें। अच्छा, तो फैसलाबाद में आप लोग मशहूर होने लगे? अल्हम्दुलिल्लाह, फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। हाँ।